हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर जीके में। और आज के इस वीडियो में आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, ये करंट अफेयर है नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल, जो कि 4 सितंबर 2021 का करंट अफेयर, जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लेवल के जो भी करंट अफेयर से बनने वाले क्वेश्चन हैं एग्ज़ाम की दृष्टि से, जो भी महत्वपूर्ण हैं वो सभी वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चन रखे गए इस वीडियो में। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। ओके, आइए फिर वक्त ना बर्बाद करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। ये वन लाइनर फैक्ट है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव ही नहीं है, तो आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आप जैसा कि देख पा रहे होंगे, हाल ही में कौन सीमा सुरक्षा बल के नए महानिदेशक कौन बने दोस्तों? BSF की बात की जा रही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? पंकज कुमार सिंह। आप याद रखिएगा, पंकज कुमार सिंह क्या बने हैं? BSF के या नए महानिदेशक बने हैं। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम सेकंड पॉइंट की, तो किस संस्था ने वर्ष 2022 में चंद्रमा के लिए DOGE फर्स्ट नामक, ये जो दिया गया है डोज फर्स्ट नामक उपग्रह को लॉन्च करने का फैसला किया है, तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्पेस एक्स। आप याद रखिएगा, कौन लॉन्च करेगा? SpaceX। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, किस बैंक ने डल झील पर तैरता हुआ ATM खोला है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा SBI। SBI ने क्या खोला है? डल झील पर तैरता हुआ ATM खोला है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? मार्क शेल्बी। आप नाम याद रखिएगा दोस्तों। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बेरोजगारी युवाओं के लिए मेरा काम मेरा मान, आप याद रखिएगा इस योजना का नाम याद रखिए, मेरा काम मेरा मान योजना शुरू किया है। ओके, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब सरकार। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की हम, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने डेयरी किसानों की मदद के लिए किस पोर्टल को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ई गोपाला नामक एक पोर्टल है, उसको लॉन्च किया गया है। किसके लिए? डेयरी विकास बोर्ड किसानों के लिए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल ने कौन सा पदक जीता है? तो आप इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वर्ण पदक जीता है किसने? टोक्यो ओलंपिक में भाला फेंक में सुमित अंतिल का नाम याद रखिएगा, सुमित अंतिल। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, 2021 को वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ संपन्न हुआ है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रोम, इटली के रोम में संपन्न हुआ है 2021 का वैश्विक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की हम, फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा डेल 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्सिलोना जो है क्लब का नाम है, तो आप याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, 2021 में सुर्खियों में रहे अटलांटिक को पार करने के लिए तैयार विश्व के पहले मानव रहित पोत का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेफ्लोवर 400। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की, किस क्रम को वर्ष 2021 में दुनिया में दूसरा सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिटेलर तक का तमगा दिया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रिलायंस जो दोस्तों है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाला रिटेलर है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? गाजियाबाद नगर। ओके, गाजियाबाद नगर निगम आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, हाल ही में कहाँ स्थित IIT द्वारा नेत्रहीनों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की गई है या किया गया है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? IIT कानपुर के द्वारा क्या किया गया है? नेत्रहीन व्यक्तियों के लिए स्पर्श संवेदनशील घड़ी विकसित की गई है, आप याद रखिएगा दोस्तों। ओके, और दोस्तों, वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियो आपको मिल सकें। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट की, COVID-19 विशेषज्ञ समिति ने किस वैक्सीन को 2 से 18 वर्ष की आयु के बच्चों पर ट्रायल करने की सिफारिश की है? 2 से 18 वर्ष के बच्चों पर अब वैक्सीन का ट्रायल शुरू हो चुका है, ये कोवैक्सीन की बात की गई है दोस्तों। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम, 2021 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता मियामी
क्या नाम है दोस्तों, मियामी, मियामी ओपन 2021 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हुबर्ट, हुबर्ट हुरकाज, आप याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे हम, 2021 को लगातार 22 वनडे जीतने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने बनाया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ओके नेक्स्ट बात करेंगे हम नेक्स्ट पॉइंट की, इंग्लिश प्रीमियर लीग 2020-21 का खिताब सर्वाधिक अंकों के आधार पर किस क्लब ने जीता है, तो क्लब की बात की जा रही है दोस्तों, तो आप याद रखिएगा मैनचेस्टर सिटी क्लब ने जीता है इंग्लिश प्रीमियर लीग का। ओके नेक्स्ट बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की हम, जर्मन फुटबॉल कप 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बोरुसिया डॉर्टमुंड ने। ओके आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, फुटबॉल प्रतियोगिता कोपा डेल रे 2020-21 का खिताब किस फुटबॉल क्लब ने जीता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बार्सिलोना। ओके इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता है, जार्क सेल्बी। तो आप यार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, माफ़ी चाहेंगे। ओके तो यहाँ तक हमने 4 सितंबर से जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन बनने वाले थे, नेशनल और इंटरनेशनल, सभी की चर्चा की है। ओके अब मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।